मेरा मेनोपॉज टाइम भी इतना इजीली निकला मुझे। ये मेनोपॉज के समय लेडीज बड़ी दुखी होती है। बहुत अच्छे से निकला बाबा जी, और आज मैं अपने बेटे बहू को लेके आई हूँ। ये स्लिप डिस्क ठीक कर लिया, मेनोपॉज के समय कोई हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होनी, माताएं बड़ी दुखी होती, कुछ भी नहीं हो। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी, और आपको पिछले 22 साल से फॉलो करती हूँ बाबा जी। अच्छा ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, जब संस्कार पे 20 मिनट का कार्यक्रम आता था, तब से हम फॉलो कर रहे हैं आपको बाबा जी। कितने बजे? 6:40 पे। तो ये संस्कार का कार्यक्रम जब आता था, उस समय जो फॉलो करते थे वो हाथ उठाना, जरा हाथ हिलाइयो भाई। इसका मतलब ये मेरी बात उस समय भी बहुत दूर तक पहुंच गई थी, वहां से यात्रा शुरू हुई थी बड़े रूप में। एक बार अभिनंदन है भाई आपका। ये बहन ने 22 साल का बोला इसलिए याद आ गया। 22 साल 23 साल से फॉलो कर रहे हैं आप। 2006 में भीलवाड़ा आए थे। हाँ तब भी आया था, तब भी हमने आपका शिविर अटेंड किया था। चलो खुश रहो। यहाँ मैं अपने बेटे बहू को लाई हूँ। हाँ इनको क्या है? मेरी बहू को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसके लिए लाई हूँ मैं। देखो बेटा ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, संतति सुधा। और बाकी यहाँ प्रोसीजर्स करते हैं, बस्ती आदि देंगे, उत्तर बस्ती देते हैं इनफर्टिलिटी में ना, थोड़ा वो थोड़ा एक ट्रिपिकल को वैसा होता है। फिर नारी कांति देते बेटा, वो देंगे। हाँ वो डॉक्टर ने शुरू किया है, डॉक्टर पूरा ठीक। हाँ डॉक्टर कुमुद ने शुरू कर दिया, तो हाँ। पूरा ठीक हो जाएगी बेटा ना। हाँ। एकदम सोचने की बात नहीं। मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल, 99 नहीं, पूरा हमने इसका रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन खोजा हुआ है। पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का सब पूरा हमारे पास में रिकॉर्ड है पूरा। 100% तुम अच्छे होगे बेटा, है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना, नहीं तो लोग ना ऐसे दुखी हो जाते हैं, अरे साहब ये तो हमारा रोग नहीं मिटेगा, सुन सुन करके ऊंची नीची बातें। ठीक है, आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। स्वामी जी फरीदाबाद से आई हूँ। चलो अनुलोम विलोम करो, बाकी तो बहुत। स्वामी जी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए 2017 से, गले में सिस्ट, एलर्जी, मीनोपॉज अभी चल रहा है, उसी के लिए मैं मेन आई हुई हूँ यहाँ पर। आप जी के आशीर्वाद से गले में जो सिस्ट हुआ था उसको मैंने ठीक कर लिया है। गले की गांठ ठीक कर ली? लो बिल्कुल ठीक हो गई। उज्जायी प्राणायाम, सिंह वाला करके, सिंहासन और कपाल भारती ये सारा करके मैंने इसको 2017 में रिपोर्ट भी सारी लेकर आई हूँ अपनी साथ में। और पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाती थी, यहाँ से होंठ से शुरू होती थी, होंठ सूज जाता था, पूरे फेस पे खुजली स्टार्ट हो जाती थी, समझ ही नहीं आता था क्या हो गया। फिर आप जी को फॉलो किया, सारी चीज़ें, पानी पिया सुबह उठ के, उज्जायी प्राणायाम, और ये एलर्जी भी मैंने इसको ठीक कर लिया, उसकी भी रिपोर्ट लेकर आई हूँ। ये 2017 से 2022 तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम में सिस्ट हो जाती है उसकी भी रिपोर्ट लेकर आई, अल्ट्रासाउंड वो भी मैंने योग से ही ठीक किया है। सिस्ट हो जाती है, सिस्ट इसने सारी गांठें खोल दी, कुछ भी नहीं है। ये सिस्ट को लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस एक गलत फहमी लोगों में घुसा रखी है, सिस्ट हो गया तो ऑपरेट कर, और ऑपरेट तो करो वो तो टेंडेंसी हो रखी है बॉडी की, दोबारा हो जाएगी। और स्वामी जी अभी मीनोपॉज चल रहा है, उसके लिए आप बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए? बस वो नारी सुधा जो बना रखा है ना, नारी कांति, उसका नाम कर दिया अभी। ठीक, सिरप और बटी वो खाती रहो, 10 मूल पीती रहो थोड़ा। और घुटनों में भी दिक्कत थी 2017 से, गैप आ गया था, दिखाया मैंने यहाँ पर डॉक्टर को भी, कल एक्यूपंचर वगैरह कराया, उससे काफी आराम मिला है। तो ये घुटनों का गैप भी ठीक हो जाता है, कार्टिलेज रीजनरेट हो जाते हैं जो मैं बोलता हूँ।